Hello and welcome again. This is Usha and today I'm very excited. I'm बहुत excited too because I got this new scooter. Hi boy. And this is amazing. मेरा main agenda इसको लेने का ये था. For the driving license ना मुझे time मिल पा रहा है. दो दो बार learning दे के मैं practice पूरी नहीं कर पा रही हूँ and I'm just standing stuck. बिटवीन स्पेसेस की लंबी दूर जा नहीं सकती. सो फाइनली आई डिसाइडेड कि एक रास्ता निकल सकता है जो कि है स्कूटर. यू डोंट नीड एनी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर दैट. सो फाइनली आई गॉट दिस एंड यस्टरडे इवनिंग आई गॉट दिस. कल शाम को मिलते ही अनपैक वगैरह हो गया विच आई एम गोइंग टू शो यू. इट कम्स इन अ बॉक्स लाइक दिस और इसका पूरे बॉक्स का वेट होता है अराउंड 18 केजीज और स्कूटर का वेट होता है अराउंड 16 केजीज. और असेंबलिंग इज क्वाइट ईजी. असेंबलिंग में ज़्यादा कुछ करना नहीं है. यू जस्ट नीड टू अनफोल्ड द हैंडल एंड पुट द ब्रेक वायर्स इन द पोल जो आगे का पोल होता है एंड सी इफ यू वॉन्ट टू पुट यू कैन फिक्स इट. जो खड़े होने का स्पेस होता है जो डेक होता है उसमें पीछे की तरफ एक होल होता है बिलो द मैटिंग. सो यू जस्ट ओपन दैट एंड पुट द सीट. आई डोंट नीड द सीट नाउ सो आई एम नॉट पुटिंग द सीट. इट्स अ हैवी आइटम सो कंसिडर कि अगर आपको कोई उठा के रखना है या घर में से बाहर निकालना है तो यू नीड टू लिफ्ट की 16 केजी तक उठाना पड़ेगा एंड फोल्ड करके. फोल्डिंग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग इज वेरी इजी एंड मैनेजेबल बाय योर मोबाइल फोन आल्सो. सो देयर इज अ ऐप यू नीड टू डाउनलोड एंड उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. You can do and manage in your app. Speed control. So, like if you're giving to your teenager or your kid also, if they are capable of handling this, तो अगर आप उनको दे रहे हो तो एक स्पीड कंट्रोल भी ऑप्शन आप उसको मैनेज करके दे सकते हो. सो दे नो ओके अगर इसमें इसी स्पीड से चलाना है. सो इफ यू पुट स्पीड कंट्रोल की 10-11 माइल पर आवर की स्पीड ज़्यादा नहीं जाएगा. So it will not go more than that. उसी मोड पे वो चलेगा. स्लो स्पीड है, क्रूज कंट्रोल है. दूसरी एक चीज़ बहुत अच्छी है. बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ये आती है व्हेन यू स्टार्ट स्कूटर तो इमीडिएटली ये स्पीड नहीं लेगा द इलेक्ट्रिक स्पीड. यू नीड टू डू सम पेडलिंग. आप पेडल करके दो चार स्टेप आगे जाओगे वो स्पीड ऑफ लाइक 2-3 किलोमीटर ऑफ पर आवर उतना आगे जाओ. उसके बाद यू स्टार्ट प्रेसिंग द थ्रॉटल द एक्सीलरेटर एंड इट विल टेक अप द स्पीड. अब ये सेटिंग भी यू कैन चेंज इन योर मोबाइल ऐप कि इमीडिएटली एज यू पुश द थ्रॉटल ये स्पीड लेगा और यू नीड टू पेडल. द सेफर साइड इज यू पेडल इट एंड देन स्टार्ट गोइंग अहेड एंड देन इट विल स्लोली टेक अप द स्पीड. तो ये मैनेजेबल है. ऐसा नहीं कि एज सून एज यू पुश द थ्रॉटल इट विल रन अवे. इट माइट कॉज अ जर्क एक्सीडेंट और इफ यू आर नॉट यूज्ड टू फर्स्ट टाइम. सो आई थिंक पेडलिंग इज अ बेटर ऑप्शन before you take up the electric speed. The next best thing about managing it by phone is that isme ek option hota hai lock car. So when you stop your bike somewhere and put it in the parking, there is a parking mode, there is a lock option in your phone app ki agar aap usko lock kar do so it will not take up the speed. Yes, you can manually move it. So this is a good thing if you're parking somewhere. Nobody can just take it away or your kids cannot just push the button and roll it on. So this is the charger. और ये जो light on है, as soon as you plug in the charger बिना bike में plug किए तो green light दिखाएगा. और जैसे charge होना चालू करेगा तो it will show you red light until it is full charge. तो जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा यू गेट द ग्रीन लाइट व्हेन इट इज़ प्लग्ड इन द स्कूटर.
तो समझ लीजिएगा कि बैटरी फुल हो गई है, डोंट ओवर चार्ज, जैसे ही फुल होता है उसको निकाल के रखो। अच्छा ये बड़ी सी वियर्ड बात है, जैसे ही चार्जर प्लग इन कर दो बाइक के अंदर वो स्क्रीन कुछ भी दिखाएगा नहीं, देर विल बी नो स्क्रीन अनटिल द चार्जर इज प्लग्ड इन। एज सून एज यू रिमूव द चार्जर यू कैन सी द स्क्रीन, बट चार्जर प्लग इन करो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, यू कैन नॉट ऑपरेट एनीथिंग जब चार्ज हो रहा है। और वो होने के बाद आज मैं एक अच्छे से खाली से पार्किंग लॉट में इसको लेकर आई हूँ टू प्रैक्टिस इट, एंड दिस इज़ नाइस। लेट मी शो यू, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई हैव गॉट। अभी तक तो मैंने इसको ये भी नहीं निकाला है, लेट मी टेक इट आउट। कब तक हम भारतीय बस प्लास्टिक लगा के रखे रहेंगे। अच्छा ये जो ब्लिंकिंग दिख रही है ये सिर्फ कैमरा रिकॉर्डिंग में ब्लिंकिंग आ रही है, एक्चुअल में स्क्रीन सही चल रहा है, सो दैट्स अ कैमरा इशू। Let me see how much it's going to record. Okay. So here I go. पर हाँ इसमें बेल भी है। Remove the stand. Here I go. I'll take the wrong lens. पहले आपको yeah, let me show you. Immediately speed नहीं आती है. So first you have to give a kick. So when it takes like 2-3 kilometers per hour of speed by your leg, then you start pushing the accelerator, then you start giving the speed, the electric speed. Okay, let's start. अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ 2 दिन चलाने के बाद। सो 2 दिन मैंने इसको चलाया अराउंड 4 आवर्स फुल बैटरी फुल चार्ज करने के बाद 10-12 की स्पीड पे चला के 4 घंटा राइड किया है और इसने सिर्फ 25% ऑफ बैटरी कंज्यूम किया है। एक चीज़ जो मैं काफ़ी ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसमें डिस्टेंस कैसे होता है, कितना होता है। दिस ब्रेथ इज 6 inches and your actual leg space is 17.5, a little more than half. This tail to tail it's like 20, less than 24, 23.8. But yes, it's very nice, go for it. Not this exact same brand, go do your research, what is your requirement, क्या requirement है, क्या need है, कितनी दूर जाना है, कितनी नज़दीक जाना है, और लाइसेंस लेट हो रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो डोंट वरी, टेक द स्कूटर, गो राइड एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर हेलमेट, दैट्स ऑल। एंड और हाँ ये फोल्डेबल भी है, आई एम नॉट फोल्डिंग नाउ, बट अगर कुछ दूर जाना है और बस वस लेनी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो इसको ले लो, फोल्ड कर लो, बस ले लो, ट्रेन ले लो, उसमें फोल्ड करके आराम से ले जाओ। हाँ हैवी है, काफ़ी हैवी है, स्कूटर तो ज़बरदस्त है, गो फॉर इट। This one or any other one, if whichever you it suits you. तो so, सर मैं तो चलिए लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करने जो अब तक लाइक हाथ पैर रुक जाते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी व्हील्स विथ यू, एंड ये पैसे बचाता है, टाइम बचाता है, सिर्फ आपको चार्ज करना है, नो पेट्रोल, नो गैस, नथिंग, सो गो फॉर इट। एंड इफ़ यू लाइक इट और यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग लेट मी नो इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस। चार्ज करने के लिए सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नॉर्मल घर के सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं, एंड दैट्स इट, फुल चार्ज हो गया लेके जाओ। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है अगर चार्ज ख़त्म भी हो जाए तो पैडल मार मार के यू कैन स्टिल राइड ऑन इट, ऐसा नहीं है कि उठा के लाना पड़ेगा। सो दैट्स माई स्पेशल थिंग दिस ईयर, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई गॉट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो दैट्स इट, मे बी आगे के ब्लॉग्स में मैं अपने इंस्टा के साथ इस पे इंस्टा को इस पे लगा के राइड करूँ, तब तक मैं इतनी प्रो हो जाऊँ। सी यू।